दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है और आपको ई श्रम कार्ड से अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि ई श्रम कार्ड के कितने सारे बेनिफिट हो सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं और कम से कम 11 से 12 हज़ार रुपये हर मंथली ई श्रम कार्ड से हम बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड से काफ़ी सारी योजनाएं जुड़ी हुई है जिसका लाभ हम ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों को पता नहीं है कि ई श्रम कार्ड पर कौन सी योजनाएं जुड़ी हुई है और उनको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि उनको कोई बताता नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप ई श्रम कार्ड के द्वारा ही जो है काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई करके। दोस्तों, ऐसी अनेक योजनाएं जिसका इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और टाइप करना है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड की जो पहली वेबसाइट है, ई श्रम का होम पेज, उसके यह वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ई श्रम कार्ड का पोर्टल हमारे सामने लॉगिन होकर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम का, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर टोटल आपको 13 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके सारी योजनाओं के बारे में आपको बताऊँगा। जो सबसे पहली हमारी योजना है वह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह वृद्धावस्था संरक्षण के लिए बनाई गई योजना है। इसमें पात्रता क्या रहेगी? तो दोस्तों, यह इसमें पर भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होना चाहिए। इसके क्या लाभ है? तो दोस्तों, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये यहाँ पर जो है पेंशन दी जाती है, जिसमें से अगर मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है उसे 50% वार्षिक पेंशन मिलती है, मासिक पेंशन जिसको जो कि 1500 रुपये होती है। ठीक है दोस्तों, अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है या फिर पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल है तो 6,000 रुपये की मासिक पेंशन के पात्र होंगे। पति पत्नी दोनों भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। दूसरी जो योजना है, व्यापारी और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है, जिसको आज शॉर्ट फॉर्म है NPS। इसमें दोस्तों, जो पात्रता रहेगी वह रहेगी भारतीय नागरिक होना चाहिए, दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें हैं वह इसमें शामिल हो सकते हैं, उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के जो लाभ है वह है दोस्तों, योजना के अंतर्गत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये का मासिक पेंशन का हकदार रहेगा। यह सेम योजना है लेकिन ये दोस्तों रोजगार वालों के लिए है। ठीक है, इसमें कोई प्रीमियम पे करना होगा। वो दोस्तों, आपको जो तीसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष की आयु का होना चाहिए, आधार के साथ जनधन बचत बैंक खाता होना चाहिए, सहमति पर बैंक खाते से स्वतः डेबिट होना चाहिए, किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो 2,00,000 रुपये का यहाँ पर बीमा हो जाता है और प्रीमियम जो है वार्षिक आपको 436 रुपये पे करने होते हैं जब आपका 2,00,000 रुपये का बीमा इसमें हो जाता है। जो हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें उम्र होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष के बीच में, आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता होना चाहिए और आपकी सहमति होनी चाहिए बैंक खाते से, जो कि स्वतः डेबिट होने का यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन हो पाए। इस योजना के लाभ क्या है? दोस्तों, यहाँ पर साइड में इस योजना के लाभ लिखे हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर या पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2,00,000 रुपये से तथा विकलांगता के लिए 1,00,000 रुपये है। प्रीमियम यहाँ पर ओनली 20 रुपये आपको प्रतिवर्ष देने होंगे। ठीक है, अगली जो योजना है अटल पेंशन योजना, इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अंनिवार्य है। इसके क्या लाभ है? अंशदान अपनी इच्छा अनुसार 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है, मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि पति पत्नी को दी जाएगी, यदि पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है तो नामित व्यक्ति को दी जाएगी। उसके बाद जो अगली योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
इस योजना में भारतीय नागरिक होने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र है। कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य न हो, कोई भी परिवार जिसमें कोई दिव्यांग सदस्य है वह भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभ करने के पात्र है, जिनके पास मजदूरी है। इसके क्या लाभ है? तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार को 35 किलोग्राम चावल गेहूँ मिलता है और 15 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस योजना के लाभ इस प्रकार मैंने आपको बता दिए। जो हमारी अगली योजना है, अगली योजना कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे PMAYGB कहा जाता है। इसमें दोस्तों श्रमिक सहित कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य न हो, कोई भी परिवार जिसमें कोई दिव्यांग सदस्य है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिनमें पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, जो केवल अस्थायी मजदूर में लगे हुए हैं। इसके क्या लाभ है? मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1.2 लाख रुपए का, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वयं के आय स्रोत से परिवार के सदस्यों का अन्य स्रोतों से जीविका का कोई कनेक्शन ना हो। फायदे क्या है? 300 से 500 रुपये तक का जो है मिलेगा यहाँ पर अंशदान, और 1000 से 3000 रुपये तक का भी हो सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY योजना है। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं हो, भिखारी और भिक्षा पर जीने वाले लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें दोस्तों प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज हो रहा है, जिसमें द्वितीय और तृतीय स्तर पर निःशुल्क भर्ती होती है, भर्ती होना अनिवार्य है। उसमें बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। भारतीय नागरिक होना चाहिए। बुनकर को अपनी आय कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करना चाहिए। सभी बुनकर चाहे पुरुष हो या महिला स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। इसमें लाभ क्या रहेंगे? तो लाभार्थी को 15,000 रुपये का पैकेज मिलेगा। पहले 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 2500 रुपये से 9,475 रुपये, चश्मा के 200-250 रुपये, अस्पताल के 4,000 रुपये। इस प्रकार छोटी छोटी रकम यहाँ पर जो है योजना में शामिल की गई है, जिससे आप लाभ ले सकते हैं। जो हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना है। 18 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र भूमि अभिलेखों के 2 हेक्टेयर भूमि से कम होनी चाहिए। 3,000 की पेंशन मिलेगी। भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान भी मिलेगा। अगली योजना है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। इसमें सफाई कर्मचारी और मैनुअल स्क्रैंजर के रूप में शामिल लोग जो है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके क्या लाभ है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना में सफाई कर्मचारी मैनुअल स्क्रैंजर उनके आश्रितों SCS या RRB बैंकों संबंधित सभी व्यवहारिय जो विदेश के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैनुअल स्क्रैंजरों पुनर्वास एवं रोजगार योजनाएं। इस योजना के तहत भारतीय नागरिक होना चाहिए। 40,000 रुपये की एकमुश्त नगद सहायता, समय समय पर संशोधित OTCA जैसी किसी भी योग पात्र नहीं होना चाहिए। मैनुअल इसमें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि 3,000 रुपये केवल 3,000 रुपये का मासिक वजीफा या समय समय पर दी गई राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 3,000 रुपये के मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस तरीके से ये 13 योजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया डिटेल्स के साथ। अब दोस्तों अगर आपको इन योजनाओं में से कोई भी योजना अगर आपको पसंद आती है और शामिल होना चाहते हैं तो कैसे आप शामिल हो सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, जैसे इस योजना में शामिल होना है साइट यात्रा लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर करेंगे क्लिक तो आप उसी वेबसाइट पर डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके इसमें सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी योजना भी बता देता हूँ। जैसे इस योजना में शामिल होना है तो यहाँ पर वापस क्लिक करना है और इस वाली वेबसाइट पर आप ओपन हो जाएंगे, जिसकी जो वेबसाइट होगी उस पर आप ओपन हो जाएंगे।
इस पर क्लिक करेंगे तो आप अटल पेंशन योजना का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके मैंने आपको सारी योजनाओं के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।